बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करें इन्फिनिट सीरीज़। हमारे पास आज बेसिक थ्योरम है, दी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। लेक्चर हमारे पास 28 है, दी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है। थ्योरम है उसका, लेट वन टू इन्फिनिटी ए एन एंड वन टू इन्फिनिटी बी एन बी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म विद ए एन लेस इक्वल टू बी एन फॉर ईच देन। देखें हमारे पास यहाँ दो सीरीज़ होंगी। पहली सीरीज़ है वन टू इन्फिनिटी ए एन और सेकेंड सीरीज़ है वन टू इन्फिनिटी बी एन। तो देखिए हमारे पास ये दोनों सीरीज़ हैं, ये पॉजिटिव सीरीज़ होंगी। और इसमें देखें हमारे पास हमने कंसीडर कर लिया कि ए एन लेस एन इक्वल टू बी एन, जो इसका कंडीशन वन है, इफ़ वन टू इन्फिनिटी बी एन कन्वर्जेस सो वन टू इन्फिनिटी ए एन आल्सो कन्वर्जेस। देखें अगर आपके पास जो बड़ी सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी तो मस्ट है जो छोटी सीरीज़ है वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। सेकंड हमारे पास है इफ़ वन टू इन्फिनिटी ए एन डाइवर्ज सो वन टू इन्फिनिटी बी एन आल्सो डाइवर्ज। देखें ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन, देखें अगर आपके पास जो छोटी सीरीज़ है वो डाइवर्ज करेगी तो मस्ट है कि जो बड़ी सीरीज़ है वो तो हमेशा डाइवर्ज करेगी। ये हमारे पास दो कंडीशन है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की। यानी अगर आपके पास बड़ी सीरीज कन्वर्ज करेगी तो मस्ट है छोटी भी कन्वर्ज करेगी। अगर आपके पास छोटी सीरीज डाइवर्ज करेगी तो मस्ट है कि बड़ी भी डाइवर्ज करेगी। हमारे पास एग्जांपल नंबर 8 है, डिटरमाइन वेदर द सीरीज वन टू इन्फिनिटी वन ओवर वन प्लस एन स्केयर कन्वर्ज और डाइवर्ज। देखें हमारे पास जो सीरीज़ है वन टू इन्फिनिटी वन ओवर वन प्लस एन स्केयर, तो हम सीरीज़ को डिनोट करते हैं वन टू इन्फिनिटी ए एन। तो कंपेरिजन करें, ये हमारे पास जो ए एन है ये बराबर है वन ओवर वन प्लस एन स्केयर। तो हम बी एन कैसे फाइंड करेंगे, तो देखें हमारे पास अगर आप नोमिनेटर में देखें तो एन नहीं है, तो इसका मतलब एन की पावर हम क्या लेंगे, ज़ीरो। तो नीचे आप देखें जो आपके पास सबसे बड़ी जो पॉलीनोमियल जो सबसे बड़ी डिग्री है वो क्या है, एन स्केयर। तो नीचे कौन सी टर्म लेंगे जिसमें आपके पास एन की हाईएस्ट पावर है, तो देखें एन की पावर ज़ीरो है तो क्या आएगा, वन। तो आपके पास क्या आ जाएगी, वन ओवर एन स्केयर। इस तरह हम बी एन लिया करेंगे, इसका मतलब ए एन हमारे पास आ गया वन ओवर वन प्लस एन स्केयर और बी एन हमारे पास आ गया वन ओवर एन स्केयर। ए एन भी ले लिया मैंने आपको, बी एन लेने का तरीका भी बता दिया। अब हम इन दोनों को कंपेरिजन करेंगे, इन दोनों में से टर्म कौन सी बड़ी है। आप क्या करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एन की वैल्यू वन पुट करें, जब आप यहाँ एन की वैल्यू वन पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा वन बाई टू। अगर आप एन की वैल्यू यहाँ वन पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, वन। इसका मतलब ये सीरीज़ बड़ी है और ये सीरीज़ क्या है, छोटी है। तो देखें वन ओवर वन प्लस एन स्केयर लेस देन वन ओवर एन स्केयर, अगर आपको याद हो तो ये कौन सी सीरीज़ थी, एलर सीरीज़। क्या लिखा था, वन टू इन्फिनिटी वन ओवर एन स्केयर। प्रीवियस लेक्चर में आपने डिस्कस किया था जो एलर सीरीज़ है वो क्या करती है, कन्वर्ज। देखें ये जो बड़ी सीरीज़ आपके पास ये क्या कर रही है, कन्वर्ज। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो मस्ट है कि छोटी भी क्या करेगी, कन्वर्ज। अब देखें बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट आल्सो वन ओवर टू इन्फिनिटी वन ओवर वन प्लस एन स्केयर आल्सो कन्वर्ज। देखें जब बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि छोटी सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। एग्जाम्पल नंबर 19, शो दैट वन टू इन्फिनिटी एन प्लस फाइव ओवर एन स्केयर प्लस फोर डाइवर्जेस। तो देखें ये आपके पास क्या है, ए एन एंथ टर्म, क्या आ गया, एन प्लस फाइव ओवर एन स्केयर प्लस फोर। बी एन आप कैसे फाइंड करेंगे, देखें यहाँ एन की सबसे बड़ी पावर क्या है, यानी एन का जो सबसे बड़ा फैक्टर वो क्या है, एन। ऊपर से देखें एन की शक्ल में सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, एन स्केयर। तो हमारे पास बी कैंसिल करें एन से एन, बी एन क्या आ गया, वन ओवर एन। देखें ए एन भी फाइंड कर लिया हमने, बी एन भी फाइंड कर लिया। अब हम कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में बड़ी टर्म कौन सी है। तो आप देखें ए एन भी ले लिया मैंने, बी एन भी। अब आप एन की वैल्यू वन पुट करके चेक कर लें, टू इसमें रिप्लेस करके चेक कर लें। वन पुट करेंगे तो सिक्स आ जाएगा, वन और फोर क्या आ गया, फाइव। और इसमें पुट करें आप, वन ओवर वन क्या आ गया, वन। तो आप देखें ये सीरीज़ क्या है, बड़ी है, और ये सीरीज़ क्या है, छोटी है।
अगर आप देखें, आपने पढ़ा था हारमोनिक सीरीज, ये क्या थी? हारमोनिक सीरीज क्या थी? वन टू इन्फिनिटी वन ओवर एन। तो देखें ये क्या है, हारमोनिक सीरीज। तो आपने पढ़ा था कि अभी प्रीवियस लेक्चर में आपने इसका प्रूफ किया है कि जो हारमोनिक सीरीज होती है वो हमेशा क्या करती है, डाइवर्ज। और जो एलर सीरीज होती है, एलर सीरीज वन ओवर एन स्केयर, वो हमेशा क्या करती है, कन्वर्ज। तो अब आप देखें, ये क्या है, हारमोनिक सीरीज, देखें ये क्या करती है, डाइवर्ज। आपने पढ़ा है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में, अगर छोटी सीरीज डाइवर्ज करे तो मस्ट है जो बड़ी सीरीज वो भी क्या करेगी, डाइवर्ज। तो देखें ये हमारे पास क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो भाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि ये सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दी लिमिट बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। थ्योरम क्या है, उसी तरह हम दो सीरीज लेंगे, वन टू इन्फिनिटी ए एन, और दूसरी सीरीज होगी हमारे पास वन टू इन्फिनिटी बी एन। तो हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे, क्या है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन। देखें इसकी कोई ना कोई लिमिट आएगी, मैंने उसका नाम कह दिया, क्या बोल दिया, एल, एल नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसके तीन केसेस हैं, पहले मैं केस टू को डिस्कस करता हूँ। अगर आप लिमिट अप्लाई करें एन अप्रोच इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, इसका आंसर फॉर एग्जाम्पल क्या आ जाए, ज़ीरो, तो सीरीज़ हमेशा क्या करेगी, कन्वर्ज। तीसरी इसकी कंडीशन मैं डिस्कस करता हूँ, अगर आप लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर वी एन अप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाए, इन्फिनिटी। तो हमेशा जो सीरीज़ है वो क्या करेगी, डाइवर्ज। देखें दो केस बिल्कुल क्लियर हैं, अगर आंसर ज़ीरो आ जाएगा तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, अगर आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा तो जो सीरीज़ आपके पास होगी वो डाइवर्ज करेगी। हाँ, केस नंबर वन देखें, आपके पास कोई ना कोई लिमिटिंग वैल्यू आ जाती है जिसको मैंने नाम दिया एल, दी एदर बोथ सीरीज आर कन्वर्ज और बोथ आर डाइवर्ज। अगर इसका आंसर कोई ना कोई डेफिनेट नंबर आ जाएगा तो फिर हम जो पहले हमने पढ़ा बेसिक कंपैरिजन टेस्ट वो अप्लाई करेंगे, तो उसके मुताबिक हम इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक कर लेंगे। वो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या था, वो आपके पास था ए एन लेस इक्वल टू बी एन। आपने पढ़ा था कि अगर छोटी सीरीज डाइवर्ज करेगी तो बड़ी भी डाइवर्ज करेगी, अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज करेगी तो मस्ट है छोटी भी कन्वर्ज करेगी। ये था बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। देखें अब हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर थ्री है, यूज द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जिज आर डाइवर्जिज। देखें हमारे पास जो सीरीज गिवन होती है वन टू इन्फिनिटी वो क्या होती है, ए एन। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ए एन, ए एन हमारे पास है एन माइनस फोर ओवर एन क्यूब प्लस एन प्लस थ्री। बी एन हम कैसे लेते हैं, ऊपर से सबसे बड़ी पावर एन की शक्ल में लेंगे एन, नीचे से सबसे बड़ी जो पावर होगी एन की वो एन क्यूब है, कैंसिल करें तो क्या आ गया, वन ओवर एन स्केयर। देखें ए एन भी आ गया और बी एन भी हमने फाइंड कर लिया। अप्लाई करेंगे बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, क्या है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। देखें ए एन हमारे पास क्या है, एन माइनस फोर ओवर एन क्यूब प्लस एन प्लस थ्री डिवाइड वन ओवर एन स्केयर। तो ये आ गया एन माइनस फोर ओवर एन स्केयर प्लस एन प्लस थ्री, मल्टीप्लाई में चेंज करें तो क्या आ जाएगा, एन स्केयर ओवर वन। इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखें जो हमारे पास ये टर्म है ये क्या है, पॉलीनोमियल की शक्ल में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में देखें कि हाईएस्ट डिग्री एन की क्या है, तो हाईएस्ट डिग्री ऊपर और नीचे देखें जो बड़ी होगी क्या है, एन क्यूब। तो क्या करेंगे हम, एन क्यूब से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, करें इसको एन क्यूब से डिवाइड वन आ गया, इसको करें फोर ओवर एन स्केयर ओवर एन क्यूब, ये कैंसिल तो क्या आ गया, फोर ओवर एन। इसको करें एन क्यूब से डिवाइड, इसको भी करें एन क्यूब से डिवाइड, इसको भी करें एन क्यूब से डिवाइड। आपने पढ़ा था लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, फोर ओवर इन्फिनिटी आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो, फोर ओवर इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। देखिए इसका आंसर ज़ीरो हो जाएगा, वन माइनस ज़ीरो वन, फोर ओवर वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो, थ्री ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो, तो आंसर क्या आ गया, वन। तो देखें आपके पास बोथ सीरीज, देखें आपने क्या कहा था कि अगर तो आंसर ज़ीरो आए सीरीज कन्वर्ज करेगी, आंसर इन्फिनिटी है तो सीरीज डाइवर्ज करेगी। तीसरा केस क्या था कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो,
यानी आपके पास इसके अलावा कोई आंसर आए। अब देखें यहाँ हमारे पास आंसर क्या आ गया, वन। हम अब चेक करेंगे ए एन को और बी एन को, तो अगर आप देखें ए एन लेस देन होगा बी एन। अब आप देखें जो आपके पास वन ओवर एन स्केयर क्या ग्रेटर है, एन माइनस फोर ओवर एन क्यूब प्लस एन प्लस थ्री क्या लेस देन। अब देखें वन ओवर एन स्केयर क्या है, ये हमारे पास एलर सीरीज, ये हमेशा क्या करती है कन्वर्ज। देखें अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो मस्ट है कि जो छोटी सीरीज वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज। तो इसका मतलब जो हमें गिवन सीरीज है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 8.2। हम डिस्कस कर रहे हैं एम एस एम यूसुफ की बुक को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17, यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट इन्वेस्टिगेट कन्वर्जिज आर डाइवर्जिज ऑफ द सीरीज। पहला हमारे पास है वन टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ एन ओवर एन। देखें इसमें ए एन और बी एन कैसे चूज करेंगे, वन टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ एन ओवर एन। देखें आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एन हो, टेंजेंट इनवर्स हो, यहाँ पे साइन कॉज हो, जब आप बी एन लेंगे तो आप हमेशा उसको क्या कंसिडर करेंगे, वन। और नीचे हमारे पास सबसे बड़ी पावर क्या है, एन, तो क्या आ गया, वन ओवर एन। देखिए हमने ए एन भी ले लिया और बी एन भी। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन। देखें ए एन की वैल्यू मैंने पुट कर दी और मैंने बी एन की वैल्यू, वन ओवर एन नीचे आएगा तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, एन, एन से एन कैंसल। यहाँ पुट करें नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी तो आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी। मैंने कहा था कि अगर आंसर ज़ीरो आए तो कन्वर्ज करेगी, अगर आंसर इन्फिनिटी आए तो डाइवर्ज करेगी, अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो फिर हम उसको चेक करेंगे बेसिक कंपैरिजन से। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, इन्फिनिटी, तो सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज। नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 8.2 का। हमारे पास ए एन है 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n प्लस 1। तो देखें 2 की पावर n 3 की पावर n प्लस 1 हमेशा लेस देन होगा 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n से। तो 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n को मैंने लिख दिया 2/3 होल पावर n। तो देखें ये जो हमारे पास ये सीरीज़ है, ये है ज्योमेट्रिक सीरीज़। वन आप इसको वैल्यू वन पुट करें 2/3, 2 पुट करेंगे तो 2/3 का स्केयर अप टू सो ऑन। तो अगर आप देखें यहाँ जो हमारे पास ए वन है वो है 2/3, आर हम कैसे निकालेंगे, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2/3। आपने पढ़ा था ज्योमेट्रिक सीरीज़ में अगर आर की वैल्यू माइनस वन और प्लस वन के दरमियान लाई करेगी तो जो आपके पास सीरीज़ होगी वो हमेशा क्या करेगी, कन्वर्ज। तो देखें हमारे पास आर का आंसर आया 2/3। अगर आप देखें जो आर का आंसर है 2/3 वो लाइज करता है माइनस वन और प्लस वन के दरमियान। तो इसका मतलब है जो हमारे पास गिवन सीरीज़ है वो क्या करती है, कन्वर्ज। अगर बेसिक कंपैरिजन टेस्ट देखें, अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज करे तो मस्ट है छोटी भी कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है एक्सरसाइज 8.2 का, वन टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ एन ओवर एन क्यू। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि नेचुरल लॉग ऑफ एन हमेशा छोटा होता है एन से। तो आप देखें जब आप इनका रेसिप्रोकल लें, जरा गौर करें, 2 लेस देन क्या है, 5, 2 हमेशा 5 से छोटा होता है। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे जो बड़ी रकम है वो क्या हो जाएगी, छोटी, जो छोटी है वो क्या हो जाएगी, बड़ी, यानी इनक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज। अब मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने इसको एन क्यूब से डिवाइड कर दिया, करें इसको एन क्यूब से डिवाइड, एन क्यूब से इसको भी डिवाइड कर दें एन क्यूब से, तो क्या आ गया, 1/n². इसका मतलब कि नेचुरल लॉग ऑफ एन ओवर एन क्यूब हमारे पास आ गया लेस देन 1/n². अगर आप नोट करें ये जो एलर सीरीज़ है 1 टू इन्फिनिटी 1/n², एलर सीरीज़ क्या करती है, कन्वर्ज। अगर आप बेसिक कंपैरिजन टेस्ट देखें, अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज करे तो मस्ट है छोटी सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज। देखें बड़ी सीरीज हमारे पास क्या कर रही है, कन्वर्ज, तो छोटी भी फिर क्या करेगी, कन्वर्ज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है 1 टू इन्फिनिटी स्केयर रूट एन ओवर एन प्लस 1। तो देखिए मैंने ए एन ले लिया, बी एन कैसे चूज करेंगे,
नोमिनेटर से एन क्या, एन की सबसे बड़ी पावर देखेंगे वन बाई टू है, और नीचे एन की सबसे बड़ी पावर क्या है वन, तो क्या आ जाएगा एन की पावर वन बाई टू। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट एन पर इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन। तो देखें हमारे पास ये क्या एक्स की वैल्यू है, मैंने ए एन की पुट कर दी, बी एन की वैल्यू क्या आएगी वन ओवर एन, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी एन, मल्टीप्लाई करें एन ओवर एन प्लस वन। अब देखें पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है वन एन की, तो नीचे ऊपर मैंने एन से डिवाइड किया, इसको एन से डिवाइड करें वन, इसको एन से डिवाइड करें वन, इसको एन डिवाइड करें वन ओवर एन, तो हमारे पास यहाँ पुट करें इन्फिनिटी वन ओवर इन्फिनिटी आंसर जीरो, तो क्या आ गया वन, वन प्लस जीरो तो आंसर क्या आ गया वन। अब हम चेक करेंगे इन दोनों में से कौन सी सीरीज़ बड़ी है। अगर आप देखें तो आपने पढ़ा था हार्मोनिक सीरीज़ वन टू इन्फिनिटी वन ओवर एन, क्या कर थी डिवर्ज, ये वन टू इन्फिनिटी वन ओवर एन की पावर वन बाई टू, जितनी पावर वन से छोटी होती जाएगी उतनी वो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। इसका मतलब हमारे पास ये सीरीज़ क्या कर रही है डाइवर्ज, अगर जो बड़ी सीरीज डाइवर्ज कर रही है क्योंकि वन ओवर एन लेस देन होगा स्क्वायर रूट एन ओवर एन प्लस वन से। आपने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा है, अगर बड़ी सीरीज सॉरी छोटी सीरीज डाइवर्ज करे तो मस्ट है कि बड़ी सीरीज क्या करेगी डाइवर्ज करेगी।